लद्दाख जा रही है, पहुंच जाएगी है? है? देखो छोड़ दे, बस 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 भी ना भाई, चलो अभी थोड़ी थोड़ी कर देते हैं, चलो अभी पूरी। देखो इतनी गोलियां खानी पड़ रही है, मैं फिर भी ट्रिप पे निकला हुआ हूँ। अब ये दवाइयाँ हमारी एंट्री हो चुकी है, लो वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और फिर हम कल वल को शायद हम यहाँ से निकल जाएंगे और जंस्कार वैली की तरफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। नए दिन से बात हो चुकी है, बड़ों को मेरा नाम छोड़ गया, आप सभी बढ़िया हो भाई? मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज खास क्या है व्लॉग में? तो भाई खास तो इतना कुछ है कि बस पूछो मत। और जितने भी मेरे भाई थंबनेल और कैप्शन देख के कैरेक्टर क्या है, तो भाई मैं उन सबको बता दूँ। तो भाई मैं आज जा रहा हूँ लद्दाख, और ये अपनी रोड ट्रिप रहने वाली है, 15 से 20 दिन की रहने वाली है। फुल एक्सप्लोर करके आएंगे, और इस ट्रिप का नाम भी मैंने रखा है क्या, एक्सप्लोर लद्दाख, यानी एक्सप्लोर ले लद्दाख। कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, सब कुछ करके आना है, मतलब ए टू जेड चारों तरफ, ठीक है? ये नहीं है कि छोड़ के आ गया बस टच करके आ गया, नहीं। मेरी जर्नी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है जाके मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर इंस्टाग्राम से जुड़ना है, अगर पल पल की खबर जाननी है, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है, तो भाई वहाँ जाके कर लो इंस्टाग्राम पे, नितिन चौधरी ब्लॉग्स के नाम से मिल जाएगा आपको वहाँ भी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5, मैं हो चुका हूँ रेडी, और मेरा भाई भी रेडी हो चुका है। जा कौन कौन रहा है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, जा किस चीज़ से रहा हूँ वो मैं बता दूँ। तो जैसे कि लद्दाख सुनते ही मतलब गूज़बम्प आ जाते हैं, लद्दाख, और मतलब हर यंगस्टर का एक सपना होता है, तो भाई ऐसे ही अपना है, तो उसी हिसाब से हम भी जा रहे हैं। तो अब जा किस चीज़ से रहा हूँ, मैंने सोचा था कि भाई मैं क्या, हर कोई लोंडा सोचता है कि भाई बाइक से निकलेंगे लद्दाख, तो सिर्फ बाइक से जाना है। तो भाई ड्रीम ट्रिप है, ड्रीम कार भी आ चुकी है, अभी ड्रीम बाइक नहीं आई है। तो पहले मैं सोच रहा हूँ जो मेरी ड्रीम कार आ चुकी है, तो भाई मैं कार से जाऊँ, ठीक है जी, मतलब कि हाँ वहाँ की अच्छे से वाइब लेके आऊँ कि कैसा क्या है, क्या सीन है, मेरे को पता चल जाएगा फिर अगले ट्रिप पे। वो तो देखो डेस्टिनी के ऊपर होता है कि कब कौन सी ट्रिप का कैसे मिल जाए, तो वही वाला सीन है। तो अभी मैं हो चुका हूँ एकदम से रेडी, ठीक है जी। थोड़ी सी देर में नीचे पहुँचते हैं, गड्डी एकदम तैयार है, क्या क्या करवाया वो सब दिखाऊंगा। तो मैं ऐसे तो नहीं है कि रिवील कर रहा हूँ और वो नहीं, बस थोड़ा सा सब्र कर लो है, और बाकी तो सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ा सा नीचे जाके बस हल्का सा एक ब्रेकफास्ट करना है, या चाय जो भी बनाई है वो पीनी है, और फिर निकल जाना है, ठीक है। और आज का अपना जो प्लान है भाई, वो ऐसा है कि आज बुलंदशहर से, यूपी बुलंदशहर का हूँ भाई मैं, यहाँ से निकलने वाले हैं, और रुकने वाले कहाँ हैं मैं, मतलब मेरे जो माइंड सेटअप आ रहा है भाई, माइंड सेटअप में ये आया है सीन कि अपन करने के वाले हैं, अपन ये करने वाले हैं, हम मनाली तक तो पहुँचेंगे, अगर हम पहले ही पहुँच गए, टाइम से पहले पहुँच गए, तो हम अटल टनल आज ही क्रॉस कर लेंगे, और आगे जाके रुकेंगे जिस पाया से सू में, या जहाँ भी जैसे भी है, जो भी पड़ता है, अटल टनल क्रॉस कर लेनी है अगर हम जल्दी पहुँच जाते हैं तो। बाकी तो अब चलने के ऊपर बात है, ठीक है जी। फ्यूल अप मैंने पहले ही करा लिया था, रात ही करा लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ एक चीज़ रह गई गड्डी के टायरों में हवा, इफ़ अगर पेट्रोल पंप वालों पे, मतलब क्योंकि वैसे तो ओपन मिलने से रहा, तो अगर उन पर रहा तो उन पर भरवा लेंगे, क्योंकि हम पेरिफेरल से निकलने वाले हैं और आ जाने वाले हैं मस्त मज़े, क्योंकि भाई वही वाली चीज़ है, आनंद जो है भैया सफ़र का है, पहुँचने के बाद कुछ नहीं बचता, तो यही होता है भाई, घूमने जा रहे हो तो भाई सफ़र के मजे लो और आगे की चिंता छोड़ दो। तो ऐसे ही है अपना भी। अब मैं जब जा रहा हूँ, हेलमेट दिख रहा है मेरे को, देखो वहाँ पे वो रखा, तो चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल ऐसे करते हैं कि हम निकलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। तो ये सुबह हो गया, सुबह के 5 बज रहे हैं, और ऐसे मतलब हल्का हल्का दिन से निकल गया है, मतलब एक चांदना हो गया है, बट मौसम हो रहा है एकदम से बढ़िया, ऐसा नहीं है कि बारिश वारिश का मौसम है, एकदम क्लीन हो चुका है, और बहुत वेट कराने के बाद में हम निकल रहे हैं, ठीक है। गाड़ी नीचे खड़ी है हो रही, ठीक है, अभी इतना ही देख लो, बाकी का नीचे जाकर दिखाऊंगा क्या सीन है और क्या नहीं, क्या करवाया, ठीक है जी। देखो एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे है, पीछे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है ये नीचे यहाँ पे, चलो कोई ना अभी नीचे चल कर दिखाते हैं। और बाहर खड़ी थी तो देखो छत पे धूल धूल हो गई, पर कोई ना, अब तो ये धूल धूल हो गई आएगी, सफ़ेद वो काली की जगह सफ़ेद ऐसे हो गएगी ऐसे, कोई ना। गुड मॉर्निंग, दूर रहो, मैं तैयार हो चुका हूँ, दूर रहो, बैठ जा, इधर हटा,
चलो चलो जी, ये भी सेठ तैयार हो चुके हैं, इसे हम कहीं ना लेके जा रहे हैं। अभी ये लेके जा रहा है जो अपना अपने साथ तीसरा भाई जा रहा है, ठीक है, तो उसे लेने निकल रहा है, मतलब यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है उसके घर। बाकी तो आज मज़े आने वाले हैं, फुल टू मज़े आने वाले हैं। छोटू मज़े आएंगे ना, हम आएंगे हैं अच्छा। हाँ जोजो, चलना है क्या? चलना है क्या भाई? देखो पीछे पड़ती रहेगी मेरे। देख हाँ, अब मैं इसे पता है मैं जा रहा हूँ। देखो और छोड़ दे, बस बहुत काट लिया, हट जा, छोड़ दे, जाओ वहाँ बैठो। चलो मैं आ रहा हूँ अभी, गेट लगा दूँ। भैया ये ना छोड़, रही नहीं करी, जा क्यों रहा है, यहीं रहे। हाँ, अरे भाई, बस रुक जा, छोड़ तो दे। चलो जी, सारा कुछ हो गया, जितना भी कुछ मतलब गाड़ी में रखना था वो सब कुछ रख दिया, और घर वालों ने आलू के पराठे बना दिए, यानी मेरे फेवरेट। भैया सारा कुछ हो गया डन, वो भी गाड़ी में है, बस जो मेरा भाई अभी तक वो आया नहीं है लकी को लेके। बाकी अभी हम करते हैं अपनी गाड़ी को रिवील। बाकी भाई अब इन दोनों को तो मतलब 10-15 दिन के लिए बाय बाय कर देते हैं, कोई सी भी नहीं चलने वाली, ना ये। हाँ भाई, ये टेस्टिंग कर रही है, ये मेरे पीछे पड़ी है कि जा क्यों रहा है, पहले यूँ बता, करने का जा रहा है, घर में अच्छी ना कट रही क्या तेरी, ये यूँ पूछ रही है भाई। तो अब चलो कोई बात ना, अब दिस टाइम टू रिवील माई कार कि हमने करा क्या है, समझ में आया कुछ? ये देखो बीच में से ये पहाड़ से चल रहे हैं, चलो कर देते हैं फिलहाल, अभी भी ना भाई, चलो अभी थोड़ी कर देते हैं, चलो अभी पूरी। तो भाई ऐसा कुछ स्टिकर्स बनवाए इधर और उधर, तो अभी चल के दिखाता हूँ। और इन स्टिकर्स पे पूरा के पूरे नाम लिखे हुए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब मेन लिखवा दिए हैं, बीच में जो भी पड़ेगा वो भी सब कवर करके आएंगे, ऐसा नहीं है। पर ये है, ये मेन थे, इसलिए यहाँ पे ये सब लिखवा दिए। और इसे लगवाने के बाद में कैसी लुक आई है मेरे को भी पता है, और ये अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाल रही है कि मेरे को भी लेके चल। तो अभी तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या प्लान है, क्या आइटनरी रहने वाली है हमारी लद्दाख के लिए। चलो जी, पहले पीछे से करते हैं कि भैया हमने पीछे लिखवाया है क्या? भाई ये नहीं लिखवाया है, तो पता ना अभी किसी ने लिख दिया एक्सप्लोर जाट बोलने वाला था मैं, सही बताऊँ वहाँ पर दिमाग में गया, तो एक्सप्लोर लद्दाख, ये अपनी ट्रिप का नाम रखने वाले हैं क्या, रख ही दिया है एक्सप्लोर लद्दाख। बीच में ले और आ जाना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, जब जल्दी में, क्योंकि ये देख रहे हो ना यहाँ पे, मतलब इतने में ही आ सकता था, मतलब ले रह गया बीच में, तो इस वजह से मैंने कहा एक्सप्लोर लद्दाख ही लिख दिया, और एक्सप्लोर लद्दाख ही अपनी ट्रिप का नाम रख देंगे। तो ये तो इधर वाला जो प्लान है वो आने का है, वापस आने का। अभी मेन जो है वो भाई उधर से है, वहाँ से स्टार्टिंग होगी, यानी अभी जहाँ पे हम हैं, और भाई ये भी बीच में है। एक मिनट में पीछे कर लेता हूँ हल्की सी, फिर दिखाना पड़ेगा। और ये इधर भी मतलब लाइक लुक पता है कि कैसी आ रही है, मैसिव लुक आ रही है। और ये क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे लगा बारिश आने वाली है, वहाँ पे आंटी जी पानी चला रही है, वहाँ एकदम से बारिश कहाँ से आ गई पर चलो कोई ना, तो गाड़ी कर दिए धक्का लगा के पीछे तो अभी इधर से दिखाता हूँ कि क्या अपना प्लान रहने वाला है, और अपना जो थर्ड पर्सन है जाने वाला वो भी आ गया ये रहा। बाकी अभी यहाँ से प्लान बताते हैं अभी क्या क्या है, और आज का प्लान इससे प्लान जैसे मैंने बता दिया कि मनाली में करने वाले हैं, तो हम निकलने वाले हैं बुलंदशहर से मनाली, सिसु, सिंकुला एंड गौनमोरंजन, जिसको पता है गौनमोरंजन के बारे में, यानी सिंकुला होते हुए जाएंगे जंस्कार वैली। तो भाई वहाँ गौनमोरंजन एक माउंटेन पड़ता है, और वहाँ पर करते हैं कैंपिंग, आया है तो दूसरे दिन ही मस्त सी कैंपिंग देखने को मिलेगी, फिर जंस्कार वैली एंड फिर वहाँ से पदुम या नीमो होते हुए लेह लद्दाख पहुँच जाएंगे। और फिर अभी उधर से होता है कि लद्दाख में घूमा कहाँ जाएगा, अभी तो सिर्फ हम लद्दाख और वो पहुँच जाएंगे। भाई एक मिनट गेट बंद कर दो बस, फिर ये थोड़ा सा प्लान से समझाते हैं। तो लेह लद्दाख पहुँचने के बाद में हम नूबरा वैली जाएंगे, फिर वहाँ से खाटदुंगला जाएंगे, फिर पेंगोंग लेके जाएंगे, यहाँ से हाल ले निकलेंगे, फिर हैं कहाँ जाएंगे, उमलिंगला, फिर जाएंगे भाई सबसे टॉप पे, यानी जो मोटरेबल रोड है अपनी, उमलिंगला पहुँचेंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे, मतलब लेवे होते हुए सोमरी लेक, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शिशु उधर हो गया। तो फिर हम पहुँचेंगे कारगिल, मतलब ले होते हुए यहाँ से वापस जब आएंगे हानले होते हुए, मतलब यहाँ से उमलिंगला, हानले एंड फिर लद्दाख, और फिर कारगिल पहुँचेंगे, कारगिल से सोनमार्ग, फिर वहाँ से अगर मन में रहा तो गुलमर्ग भी घूम लेंगे, श्रीनगर भी, क्योंकि मैंने घूमा हुआ है,
अगर इन्हें घूमना होगा घूमना है बस तो फिर तो टेंशन ही ना है। फिर भाई हम श्रीनगर से सीधा सुतम साठ बुलंदशहर आएंगे। कहाँ? बुलंदशहर। ठीक है जी। और अपनी अभी गाड़ी कैसी लग रही है? आ रहा ना मैसिव लुक। ये देखो बस एक चीज़ की कमी है, ये फोक लैम्प मैंने क्यों नहीं डलवाए, मैं आगे फिर किसी व्लॉग में बताऊंगा। समझ जाओ, समझ गए ना, ये दिक्कत है। तो इस लाइट में हुआ क्या है कि भाई जब मैंने इसकी जो LED वाइट LEDs डलवाई थी ना, खोली हुड खोल, तो उसके बाद में भाई एक कवर होता है। अरे खोल। तो भाई जब हमने इसमें LEDs अपग्रेड कराई थी, यानी जो बल्ब होते हैं वो, यानी हैलोजन बल्ब के बाद में LEDs डलवाई थी, तो उन्होंने क्या काम करा था डालने वाले ने, देखो ऐसे दो कवर होते हैं, देखो मैं इधर दिखा दूँ, जैसे ये कवर दिख रहा है ना, ऐसे ही दोनों तरफ, वहाँ भी कोने में भी और यहाँ भी, तो एक ये वाला जो कवर है वो गायब हो गया है ना, और उसकी वजह से क्या पैसे अच्छा अभी देंगे पैसे। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये फोग जम जाता है अंदर से अब उस कवर की वजह से। तो इस वजह से मैंने फिर फोक लैम्प नहीं डलवाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया एक काम करना, इंश्योरेंस क्लेम करवा लेना, उसमें हो जाएगा। तो आगे से ये जब ये चीज़ हो जाएगी जब डलवा लेना आप। तो अब हम मैं निकल रहा हूँ और इतना मेरे पास टाइम नहीं था, और ये चीज़ अब पता चली, जब पहले तो हुआ नहीं ये चीज़, अब ट्रिप से जाने से पहले हो जाती है ना कुछ चीज़ें, तो बस वो ऐसे ही है, ये लाइट में ऐसे फोक जम गया, पर चलो कोई ना, धूप में ठीक हो जाता है ये। चुपचाप साफ कर ले, अकेला चुपचाप छोड़ दूंगा दोनों में, चुपचाप साफ कर ले, चुपचाप साफ पैसे काटो उसके, इससे पैसे एक्स्ट्रा लगे, EMI में देगा। कितनी साइड ले रहे हो, वो छोड़ दे, करता क्यों ना ढंग से। ठीक है माँ जी, हैं कैसे रहो, संभल के हैं, कोई तंग करे परेशान करे फोन कर दियो, मेरे पास सीधा आ जाऊंगा, ट्रिप व्रिप छोड़ कर, ट्रिप गई बाहर में रील वाली है, तुम्हारी बहू परेशान करे तो बता दियो, ठीक है। हैं? अरे ये बहू जो हैं। अच्छा हाँ तो फाइनली भाइयों अपनी ट्रिप हो गई है स्टार्ट, लेट्स बिगिन द ट्रिप ऑफ लेह लद्दाख। तो अपनी ट्रिप कर देते हैं स्टार्ट, हर हर महादेव महादेव। तो भैया अभी बुलंदशहर से हम निकलने वाले हैं, मतलब ऐसा है कि अभी हम निकलेंगे गाजियाबाद होते हुए, नहीं मतलब पेरिफेरल होते हुए सीधा निकलेंगे आगे की तरफ, बाकी अभी गूगल मैप पे लगा लेंगे, और निकलते निकलते वही 6 बज गए, 6:30 हो गए, और निकलते निकलते मतलब लाइक हो ही जाता है यार, हमने सोचा था कि भाई 5 बजे निकल जाएंगे, मतलब 4 बजे तो उठ जाएंगे और 5 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि पता था हम थोड़ा सा डिले तो करेंगे, पर चलो पहली वाली ट्रिप से तो जल्दी ही निकल गए। उस टाइम पे कितने बजे निकले छोटू वहाँ पे? 7:30-8 बज रहे उस टाइम, 8:30-8 बज रहे। तो चलो पहली वाली ट्रिप से पहले निकले हैं, बाकी अभी थोड़ा सा दिन हो गया है, बाकी एक्साइटमेंट कैसी है भैया? बेहतरीन है, नींद नहीं रात को। हाँ भी छोटू कैसी है एक्साइटमेंट? नींद तो बढ़िया है वैसे, खैर हाँ बोलो, मैंने खेच के ली नींद, मैं भी सो गया, वो पहली बार सोया हूँ जिंदगी में ट्रिप पे जाने से पहले, नींद तो साली पूरी रात काली हो गई। उठे एक तो पूरे दिन सुबह, मतलब वही जल्दी उठ गए लास्ट में भी, 5 बजे उठ गया मैं, और उसमें भी, और लास्ट नाइट भी जब हम गुड़गांव आए तो वहाँ पूरे जगे रहे, और कल भी पूरा काम करते रहे तो थक गया, एग्जॉस्ट हो चुका पूरा, तो नींद की जड़ थी, तो मैं इसलिए सो भी गया। और पता कितने बजे सोया मैं? सोया 1 या 1:30 बजे ऐसे ही मैं सोया, मतलब सोते सोते मतलब ना सोते सोते बहुत टाइम हो जावा यार, पर फिर भी फाइनली हम उठे, वरना मैं उनमें ऐसे हूँ, मतलब किनमें से पता है जो सो के ना उठना चाहते सुबह सुबह। मैं थोड़ी देर और सोने, और फिर भी मैंने ये चीज कर दी 10-15 मिनट में। अरे तो जब मैं छोटू तेरे को फोन करा, जब सो रहे होंगे फिर उठ गया, मैंने क्या बजे करा, 4 बजे करा दिया फोन तो। अरे ऐसे हुआ, उठ के हल्के नेस्ती सी ना रहती है कि बेड पे पड़े रहो वो वाली चीज की, चलो ठीक है कि अभी उठ रहा हूँ, फिर मैं बोला मैं 10 मिनट में उठ रहा हूँ छोटू, तू इतना ये मेरे से बोला कि ये
बैग वैग और ये कर ले, आईपैड और ये सब चार्जर वार्जर ये रख ले बैग में, मतलब जितना भी तेरा ये सामान है इसका ट्राइपॉड ट्राइपॉड और ये सब। मैंने कहा तू रख दे, मैं 10 मिनट में उठ रहा हूँ। फिर ये बोला हो गए 4:30 हो गए। मैंने कहा जा तू ना गया मैं उठ रहा हूँ। फिर ये ना गया, फिर मैं गया भाई, ऐसा हुआ। पर चलो जी अभी फाइनली निकल गए। फ्यूल अप तो हमने पहले भी करवा लिया था, बट अभी थोड़ी सी टंकी खाली है, आगे करवा लेंगे अभी। हाँ हाँ, 80 से ऊपर नहीं जाना है, एक लाइन में चलना है, ज्यादा कट नहीं मारने हैं, और खुद की भी सेफ्टी, गाड़ी की भी सेफ्टी। और जब वहाँ पहुंच जाओ तो वहाँ मिलिटेंसी ज्यादा है, तो उससे बच के रहना, क्योंकि भारत नंबर है, सरकारी नंबर है गाड़ी है भाई। हम निकल गए थे और भूड चौराहे के आसपास पहुंच गए थे, और हमारे इंश्योरेंस एंड आरसी घर पे ही रह गई थी। ये ले जानी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो चला एम परिवहन ऐप का चल जाएगा कि यहाँ पे एम परिवहन ऐप पे दिखा के, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भैया रोक लेते हैं तो आरसी वारसी मांगने लग जाते हैं। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा, हमारे 5-10 मिनट बिगड़ गए, पर कोई नहीं, ये ज्यादा जरूरी थे तो इस वजह से आप निकल चुके हैं। ठीक है, और भाई ये जरूरी क्यों है वहाँ पे, क्योंकि देखो नेटवर्क रहते नहीं है, और तुम्हें ये पेपर ही दिखाने पड़ेंगे एम परिवहन ऐप किस चीज़ से चलाओगे, तो इस वजह से ये कैरी कर लेना। ठीक है, बाकी तो जैसे जैसे पहुँचेंगे जो भी सीन होगा सब देखने को मिलेगा, कोई मतलब ये नहीं होगा कि किसी चीज़ को स्किप कर देंगे, जैसे जैसा जिसका जैसा बिहेवियर होगा उसको ऐसा दिखाएंगे। क्योंकि देखो अभी मैं मनाली से आ गया, तो आज मैं पहले अब इस ये ट्रिप मेरी पहली हो रही है, और लद्दाख की मैं कश्मीर तक गया हूँ, मतलब वो भी फ्लाइट से गया था, बाई ऑन रोड नहीं गया था। तो अब जाके पता चलेगा ऑन रोड कैसे कैसे सीन है, कैसे कैसे रास्ते हैं, क्या क्या चीज़ है, क्या देखने को मिलेगी, क्या खाने को मिलेगी, क्या पीने को मिलेगी। कोई सा पी रहा है भाई? प्रोटीन लाए हम तो मैं वही कह रहा, प्रोटीन लाए हम तो प्रोटीन। और भाई पीछे बैग देखो, मतलब बैगों को पूरा भर चुका है, मतलब ऊपर तक तरह के तो प्रोटीन है, तीन तरह के तो, के एक में कार्ब्स ज्यादा है, एक में प्रोटीन ज्यादा है, फ्लेवर अच्छा है। मैं ऐसे आराम करता जाऊंगा, पते ही नहीं जिसमें हिल जाने ही। बारिश आई है, हाँ बारिश आई है भाई, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, गाने और इतने बढ़िया चल रहे हैं, मतलब अलग ही वाइब आ रही है, सिस्टम हैंग सा हो गया अभी तक ज्यादा आगे भी निकले, सिकंदराबाद तक है 20-25 किलोमीटर वाइब यहीं से आ रही है कि हाँ पहाड़ों में पहुंच गए, फिर पहाड़ ढूंढ रही है कि साला अभी तुरंत पहुंच गया, वो वाली चीज हो रही है। बाकी देखो हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदे अगर दिख रही हो ना दिख रही भाई, हल्की हल्की देखो यहाँ पे आ रही होगी, बहुत मामूली सी है, बस ये बारिश ज्यादा ना बढ़े हमें, बस थोड़ा सा निकल जान दे, आगे फिर बढ़ती रही हो यूपी में बारिश है, जोर तो भी है यूपी वालों को। आपका पहला टोल, और यहाँ पे कम से कम पता ना जितने का भी कटेगा, ये भी इनका सिस्टम ही है जाना, अरे करो रे भाई। चलो जी एक्सेप्टेड, पैसे काट लिए गए हैं खर्चा हो गया भाई, खर्चा मोटा खर्चा हो गया है ट्रिप का, मोटा खर्चा भाई, मोटा सबसे ज्यादा तो यही रहे भाई, कहने का मतलब हैं, हाँ के रोड के नाम पे ठगे जा मैं तुमसे रुपए, और पता ना काय काय के तुमसे दुनिया भर के सेल टैक्स और ये टैक्स और वो टैक्स लेके फिर भी रोड के टैक्स ले रहे हैं, आज जो टैक्स अलग लिए मैं कम से कम लाइक गाड़ी में टैक्स ही टैक्स पता 6-7 लाख रुपए जावे, इस पे कम से कम 7-8 लाख रुपए गया, कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीजों का। और अभी तो न्यू और कह रहा वो बाद में कि मैं ऐसा कर मारूंगा डीजल गाड़ी तो लेने लायक ना छोड़ूंगा, डीजल पे भी टैक्स लगाऊंगा कोई मूर्तल पहुंच गया, और वहां पे मतलब गाड़ी में क्योंकि मैं गुड़गांव भी गया था फुल करवाने के बाद में, तो थोड़ी सी टंकी कम हो गई थी, तो मैं यहाँ पे फुल करवा रहा हूँ, और यहाँ पे तेल है भाई यहाँ 87 यानी अपने यहाँ से कुछ 60 पैसे के आसपास कम है, और अभी देखते हैं कितने में फुल हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कितना एवरेज दिया। ठीक है जी, एवरेज भी लग रहा है यहाँ पे, और वो भी कैसी लग रही है जी गाड़ी, है जी लद्दाख जा रही है, पहुँच जाएगी है अपनी गाड़ी में जो तेल आया वो 28 लीटर के आसपास आया है, तो मतलब लाइक यहाँ तक आने में 28 लीटर भी गई है, मतलब यहाँ तक आने में क्या, क्योंकि गुड़गांव भी गई है और गाँव में भी गई थी।
all black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip and the gun time. Dropping bodies in the place till sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just let the bullets fly, I'm the last one to die. भाई जैसे अभी हाईवे पे आगे हैं तो अभी गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दिया, गाड़ी को वैसे रेस्ट तो दिए ना, हम तो अपने आप को रेस्ट दिया, थोड़ा डिहाइड्रेट हो रहे थे तो मोस्टली का जूस हो गया यहाँ पे बाबा के पास। गाड़ी भाई सब बढ़िया मौज आ रही है, मतलब एक कितने किलोमीटर के आसपास हो गए, 200-250 के आसपास हो गए। कितना बचा चंडीगढ़ यहाँ से? 150 बचा है भाई, बाकी मतलब 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे चंडीगढ़। एक छोटा सा काम है, एक मॉल में जाना है यार, विंटर का कुछ विंटर का कुछ लेना है कलेक्शन, क्योंकि भाई अपने पास थोड़ा सा कम है, कट है। 130 किलोमीटर ये करनाल में है। तो भाई अभी एडजस्ट जो है हम करनाल में, वो ताऊ जी ने बताया। बाकी अपनी गाड़ी का कुछ ऐसा हाल हो गया, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश पड़ी थी, देखना गंदी हो गई है, अभी गंदी होनी होगी स्टार्ट। चलती हुई तो सबने सीधी देखी होंगी, ये अलग ही चल रहा है, मतलब कम से कम 500-600 मीटर हो गए। इसने 2-3 बार से डरा दिया कि भाई साहब ये कैसे कहाँ से सीधी आ रही है उल्टी। और एक और चीज बताऊँ क्या है, ये रिकवरी वैन है और रिकवर खुद होकर जा रही है। क्या दूसरी बाइक गाड़ियों की रिकवरी करेगी ये? क्या टायर तो ये शायद ठुकी ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे इसी वजह से या तो पंचर हुआ है या ठुकी है, क्योंकि ठुकी साइड में करी हो इधर से, क्योंकि टायर देखो ये वाला जो टायर है यानी लेफ्ट वाला वो तो भाई मोटा है, और ये इधर वाला इस तरफ चला है, इस तरफ चला है। वो तो टेढ़ी टेढ़ी बैची भाग रही है भाई, इसमें कुछ और हुआ है ठीक है, टूटी टाटी तो है ना, खराबी हुई है खराब। चलो अपना काम हो गया और अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में पहुंचते पता देखो गाड़ी का क्या हाल हो गया, पूरी गंदी हो चुकी है। ये तो आगे भी यहाँ से पूरी गंदी हुई पड़ी है, ये देखो यहाँ से भी गंदी हुई पड़ी है। क्या हो गया? लॉक तो खोल दो। अच्छा लॉक खोल दो। तो मार रहे हो तुम? तो भाई अपना यहाँ का काम हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे मनाली की तरफ, और जैसे अभी बताते हैं आगे चल के। बाकी तो रोड वोड की अगर बताऊँ तो रोड वोड एकदम बढ़िया थी, क्लीन थी, मस्त थी, अब तक का अपना सफर बहुत बढ़िया रहा। देखो इतनी गोलियां खानी पड़ रही है, मैं फिर भी ट्रिप पे निकला हुआ हूँ। अब ये दवाइयां उसी चीज की है, तो पता है ब्लड इन्फेक्शन जो हो गया था। तो अभी देखो मैं पहुंच चुका हूँ चंडीगढ़ में, और भाई चंडीगढ़ में अगर तुम लाइक मनाली की तरफ आ रहे हो ना, तो भाई चंडीगढ़ में अंदर मत एंट्री मार लेना, क्यों? क्योंकि ऐसे फंस जाओगे। ये देखो 60 से ऊपर है चला नहीं सकते, हर चौराहे पे पुलिस खड़ी है। तो भाई अगर जो भी आ रहे हो सिंपल मनाली या लेह लद्दाख वाया मनाली होते हुए जा रहे हो, तो मेरी एक बात मान लेना, चंडीगढ़ में अंदर एंट्री मत ले लेना। पिछले 1-1.5 घंटे से हम ऐसे ही इधर ही इधर उधर उधर घूमते फिर रहे हैं, कभी गोल चक्कर ये चक्कर वो चक्कर, और 60 से ऊपर चलानी ना पड़ रही है। देख लो अगर 60 से ऊपर चला दी, देखो दुनिया भर के कैमरे लगे पड़े हैं चंडीगढ़ में। सही कह मैं चंडीगढ़ वाले लोग के, कभी इधर की तरफ आओ जब पता चलेगी रूल एंड रेगुलेशन किसे कह मैं। अब जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचारे कैसे 60 की स्पीड पे चला लेंगे, मेरे पे बाइक ही ना चलती 60 की स्पीड पे, अब मेरे को ये चलानी पड़ रही है 60 की स्पीड पे। और चलो कोई ना, बाकी तो इसकी टेस्टिंग अच्छी हो रही है। तो भाई 370 किलोमीटर मतलब कवर हो चुके हैं, और इसके बाद में अब यहाँ से एंट्री हो चुकी है पहाड़ों की, यानी अब हम पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं। बस नहीं अभी बादलों में एंट्री होगी, पर अभी थोड़ा सा पहाड़ों में एंट्री हो रही है। तो ये कुछ देखो गाइस, आ चक्को क्या ही व्यू आ रहा है, मतलब यहाँ से मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मतलब वो बोरिंग वाली जो चल रही थी ना, अभी तक बोरिंग फेज चल रहा था अपना एनी ट्रिप का यानी अपनी राइड का, वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अब व्यू दिखाने के लिए बहुत सारे हैं, है ना। वहां से इसलिए मैं शांत पड़ा था, चंडीगढ़ में एंट्री करी भाई कतई मत जाना चंडीगढ़ भाई कुछ नहीं मिला, मतलब काम मतलब कुछ जो जिस वजह से हम रुक गए थे अंदर जिस काम की वजह से, वो काम तो हुआ नहीं, बस कुछ और मिल गया उसको। मैं गूगल मैप दिखा रहा भाई 193, और अभी पीछे एक बोर्ड पड़ा था उस पर लिख रहा था मनाली 237 किलोमीटर, देख के हमें घबराहट हुई कि 37 किलोमीटर कैसे बढ़ गए। बाकी वो छोड़ो, आगे वाले नज़ारे चेक करो, आई शबाश। हैं तो हैं
हमारा छोटू और लकी ने एक छोटा सा नैप ले लिया है, बाकी हम हैं कहाँ, बुरवाल, ये क्या है, ये कोई सिटी का नाम होगा भाई, मतलब यहाँ के चलो नाम बढ़िया हैं, बाकी मैं जब तमिल वाली राइड में गया था मतलब वहाँ में भी नाम समझ में ना आता था, और उनसे किसी से पूछ भी लो ना वो कुछ इल्ले इल्ले पिल्ले पता ना करके भाई बड़ा खतरनाक इल्ले भाई उसने बहुत बहुत खतरनाक लिख दिया, हालांकि ये हिंदी इल्ले भाई जितना समझ में आया मेरे को तो बस ये आया था ओ हिंदी वाले की जगह ना जाए, मतलब उसे समझ लिया था मैं बोलता हुआ, पर फिर भी भैया पहाड़ों में जब एंट्री होगी पहले इन्हें टोल देना पड़ेगा कि भैया यहाँ तुम्हारी फीस है, इस फीस के बिना आगे नहीं जाया जाएगा तुमसे, अगर ये नहीं दोगे तो भूल जाओ। व्यू देखो, व्यू यहाँ आते ही एंट्री होगी, और मतलब एक पहाड़ आ चुके हैं प्रॉपर वाले, यहाँ पे ट्रक जो थे स्ट्रगल कर रहे थे ऊपर चढ़ने में, क्योंकि एक स्टिफ चढ़ाई थी, मुझे लगा आगे भी आएगी तो यहाँ पे वीडियो ओपन करी, बट अपनी गाड़ी थकान नहीं मान रही है, नहीं चलो यहाँ पे देखो वहां से समझ में ना आएगा कौन से गियर में तो मतलब लाइक ऐसा होता है ना फोर्थ गियर में गाड़ी नहीं चढ़ पाती है, मैंने फोर्थ गियर में ऊपर चढ़ाई, अब फोर्थ गियर में अभी भी है, बाकी देखते रहो क्या क्या होता है मौसम, क्योंकि देखो ये मतलब इतने स्टिफ पहाड़ों पे पहली बार आई है, देहरादून तक आई थी एक बार, और बालाजी के वहाँ छोटे मोटे से पहाड़ मतलब साइडों में पड़े, हम पहाड़ों पे चढ़े कब है, सांस क्यों भूलेगा सांस, आई शब्बाश अब मजा आएंगे, अब तुम्हें मतलब लाइक व्यू और ये नजारे देखो ये देखने को मिलेंगे, अब इसलिए नहीं दिखा रहा था, ये 370-380 किलोमीटर ऐसे रहे मतलब कि बेकार से, अब यहाँ पे क्या है, ये सीन क्या है, चेकअप वेकअप क्या, ये क्या है, स्टॉप कार टोल टैक्स बैरियर, अच्छा ये अलग होगा भैया, वो वहाँ तक का एंडिंग था, अब यहाँ पे क्या है, तुम घुस चुके हो हिमाचल में तो भैया तुम्हें यहाँ से पैसे देकर जाने पड़ेंगे, और यहाँ पे कैश में होती है डील तो भाई जैसे ही हिमाचल में एंट्री होती है, और हमारी एंट्री हो चुकी है, लो वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, और फिर हम कल वल को शायद हम यहाँ से निकल जाएंगे और जंस्कार वैली की तरफ, मैं यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे जब एंट्री करते हो तो यहाँ पे टोल टैक्स दिया जाता है, वो जो पीछे वाला टोल दिया था वो पंजाब तक का था, तो भैया तुम पंजाब से निकल गए हो तो पैसे दे के जाओ अगर तुम्हें जाना है, मैं मुझे लगा वो वाली एंट्री है ना, एंट्री तो ये वाली है, और ये देखो ये यहाँ मजा आएगा चलाने, बाकी क्या था यहाँ पे जो एंट्री फीस थी मतलब लाइक यहाँ पे एंटर करने की वो 100 थी, और आगे मतलब टोल पड़ेंगे वो फास्टैग वाले पड़ेंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, धीरे चल लो, चलान यहाँ भी कटेंगे अब ये देखना कि थर्ड गियर में आगे लॉर्ड ऑल्टो चल रही है, यानी महारानी ऑफ पहाड़ बाकी हमारी जो महारानी है ये तो कांचे काट रही है, कांचे या कुछ और ही कह मैं, कांचे हो वह क्या आए वैसे कांचे, मैं गाने सुन के अभी वर्ड मेरी जीप पर रह गया है, अच्छा मजे ले रही है भैया, ठीक है जी भाई, अपनी पहली टनल बढ़ चुकी है यानी हिमाचल की, जैसी एंट्री हुई है और ये रही, और भैया स्वागत कर रहे हैं हिमाचल, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, बाकी एक जना हमारा ये पूछ रहा था कि भैया हिमाचल प्रदेश कब से देवभूमि होने लगा, कमेंट करके बता देना फिर मैं उसे बता दूंगा, तो चलो अब ये कितने किलोमीटर की है, ये 1 किलोमीटर की है भाई, और ये क्या है भाई, आवाज बंद कर इसे, तो भाई टनल में एंट्री हो चुकी है, ये 1 किलोमीटर की कुछ टनल है, और अपना जो सोनू भाई था शायद वो इन्हीं टनलों में से निकला था अबे ओए वो इन्हीं में से ही निकला है ना शायद, तो भाई अपनी ऐसी कुछ टनल है, और भाई इसमें इतनी गंदी आवाज आ रही है अंदर, मतलब लाइक कानों में ऐसा लगा एकदम से जैसे एंट्री हुई ना मिरर डाउन था भाई, बहुत गंदी आवाज आई, और अभी भी फील कर पा रहे होगा आवाज कितनी बुरी आ रही है, ये मतलब जैसे ट्रक व्रक चल रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी टनल है वन वे वाली है तो इस वजह से आवाज आ रही है, बाकी तो सही है मौज ही आ रही है। तो भाई अभी हम मनाली से 80 किलोमीटर पीछे, और अभी ये देखो ट्रैफिक यहाँ पे क्या है, नैरो हो चुके हैं रोड, और जो लैंडस्लाइड हुई थी जितनी भी यहाँ पे उनकी वजह से नैरो हुई पड़ी है, यहाँ पे देखो पानी का बहाव कितना हो रखा है, पर ये है मलबा सारा खत्म कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है यहाँ से, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रह गया जिसकी वजह से जो रोड ढह गई हैं वो नैरो हो चुकी हैं, तो बाकी तो सब ठीक ही है, जिसको प्लान करना है वो आ सकता है भाई,
मतलब ये जो रोड है ये है मंडी से मनाली के लिए और 80 किलोमीटर बचा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है जैसे अभी हमें मिल रहा है। बाकी टनल में जाने का ये मतलब यहाँ पे ऐसा होता है जो टनल होती है वहाँ पर टनल क्रॉसिंग के लिए वहाँ पर रोका जाता है, तो एक एक करके निकलते हैं, तो उसकी वजह से ही हो रहा है या फिर लैंडस्लाइड हो रखी होगी आगे। बस ये जो टाइमिंग दिखा रहा ना 8:45 ये कब मतलब थोड़ी सी देर पहले यानी 1.5 घंटे पहले था 8:45 सॉरी 6:45 था, ये अपने आप बढ़ गया 8:45 हो गए। देखो ये रे यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखी है तो रोड नैरो हो रखी है और यहाँ के लोगों को वेट ना होता कि बीच में गाड़ी आ रही है तुरंत ही यहाँ कुदा दो कि उसका टायर जाए गड्ढे में जान दो वो वाली चीज है। जाना कोई से कोई इस पुल पे देख हैंडमेड पुल पे जा लगी भाग के जा भाई। मनाली बचा है अभी सिर्फ 49 किलोमीटर और यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी देर में हम कुल्लू पहुँचने वाले हैं। लाइक पीछे अभी थोड़ी सी 3-4 किलोमीटर 13 किलोमीटर दिखा रहा था कि कुल्लू 13 किलोमीटर बचा है और बाकी रात हो चुकी है। टाइम हुआ है 7:32 और भाई यहाँ का व्यू देखना बहुत कम दिख रहा है मेरी आंखों से, जो दिख पा रहा है वो कैमरा नहीं देख सकता क्योंकि ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं ना भाई पहाड़ तो नहीं दिख रहा अंधेरा दिख रहा है इसमें। एक मिनट देखना लाइट कैसे दिख रही है ये सब बंद कर दो ना वैसे जूम इन करने से आ रहा है। बाकी अभी थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे मनाली। जो व्यू आ रहा है ना मतलब कुल्लू सिटी से मतलब पीछे जाके रुक गया हूँ मैं और अपनी गाड़ी देखो वो जाके वो खड़ी वहाँ पे, तो भाई जो व्यू आ रहा है ना एकदम मज़ेदार। मैं जो गाड़ी से नहीं दिखा पा रहा था वो ये व्यू है और इस व्यू के लिए हम यहाँ पे आए हैं घूमते घामते। और अब यहाँ से मनाली बच चुका है सिर्फ 40 किलोमीटर और नीचे देख रहे हो ये बह रही है रिवर और पता है यहाँ पे इन्हीं मतलब इसी रिवर में जो बाढ़ आई थी मतलब पानी बहुत ज़्यादा आया था और इस मतलब जो ये मेन रोड है काफ़ी जगह से ढह रखी है पर आने लायक अब सेफ है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। पानी का बहाव ज़्यादा है पर इस टाइम पे ना तो बारिश हो रही है ना हमें कहीं भी नहीं मिली, सिर्फ ऐसा हुआ बारिश मिली है तो 5-1 मिनट के लिए मिली बहुत हल्की सी, बाकी तो सब मस्त है। और ये देखो यार व्यू, एक मिनट व्यू मतलब दमदार है। और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं गाड़ी के रिगार्डिंग, अगर तुम गाड़ी से आ रहे हो या बाइक से भी आ रहे हो ना कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बारिश भी अब कम हो चुकी है। बाइक से आना मतलब जो भी कोई प्लान बना रहा हो कुल्लू तक भी आ रहा है या मनाली तक भी आ रहा है तो भाई आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पता है इन वाली जो ये वाला जो मेन ये जो मेन हाईवे है जिससे हम आए हैं यहाँ से पीछे से जो तुमने वीडियो में देखा है अभी, तो भाई अब ये तो कुल्लू के लिए चला जाएगा ना, हम सीधा निकल जाएंगे। जो ये गेट है ना ये वाला यहाँ पे दिख रहा होगा, रुक जाओ मैं जूम कर देता हूँ एक बार, ये गेट जो दिख रहा है ना ये है कुल्लू वाला गेट। अब अगर हम अंदर जाएंगे तो ये कुल्लू के लिए, ये भैया कुल्लू देख लिया कैसा है बेहतरीन, तो वही वाली चीज़ है। और यहाँ तक आना इज वर्थ इट, और मतलब यहाँ तक भी आना ना किसी को वाइब लेने तो भाई यहाँ तक भी आ सकता है। बाकी हम तो भैया लेह लद्दाख जा रहे हैं, लेह एक्सप्लोर करके आना है, बाकी अभी सिर्फ मनाली पहुँचना है, वहाँ पर जाके स्टे करना है। थक चुके हैं क्योंकि सुबह 7 बजे से चल रही है और अभी वही टाइम आ चुका है, 12 घंटे हो चुके हैं इसको चलते हुए। जो नहीं होना चाहिए था वो स्टार्ट हो चुका है यानी बारिश। मैं पीछे कुल्लू में गया था मेरे को बारिश नहीं पड़ी है मतलब मिली है, और लो बारिश जैसे हम मनाली की तरफ आगे बढ़े हैं 12 किलोमीटर बचा है सिर्फ मनाली, और अपनी गाड़ी में भी रेंज सिर्फ 162 किलोमीटर की रह गई है, बाकी तब बस 12 किलोमीटर यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि मनाली क्रॉस कर लूँ पर ये मुझे लगता है बारिश करने ना देगी क्योंकि यार सुबह से थक गए हैं हम, अब यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पहुँच चुके हैं तो सर में भी दर्द सा बनना स्टार्ट हो गया है और टाइम भी 8:30 हो गए हैं, फिर मतलब रुक जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। अब देखते हैं अब क्या होता है, पहले मनाली पहुंचते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है, क्योंकि और ज़्यादा डिले करेंगे ज़्यादा फिर वही लेट सोएंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे, फिर आगे निकलना भी है, आगे देखना है क्या सीन है, तो अभी वही करते हैं मनाली पहुँचते हैं पहले, फिर मनाली जाके जब देखते हैं क्या सीन है। अगर बारिश मतलब नहीं पड़ती हम जल्दी पहुँच जाएंगे और आगे निकल जाएंगे, और बारिश पड़ती रही क्योंकि चल तो रही है ही नहीं बारिश में, 30-35 की स्पीड पर चल रही है और वो भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी तो वो भी कम हो जाती है। तो भाई मनाली पहुँच चुके हैं, यहाँ से मनाली सिर्फ
एक किलोमीटर मतलब अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, ऑन रोड ही रुक गए अंदर जाते, मतलब इतना बस के नहीं था, सर में बहुत दर्द हो रहा था, खाना खा के आ गया हूँ, मतलब दर्द ऐसा हो रहा था कि पूछो मत। अब ये कुछ ऐसा अपना होटल है और रूम देखो कितना बढ़िया है, बढ़िया है ना, देखिए दिखिए कूद गए पीछे, तो भैया तीनों यहीं सो जाएंगे इस बेड पे मस्त। और अभी तो मैं पूरा रूम टूट देता हूँ एक बार ना ये अश्लील बातें ना कीजिए। तो भाई ये ऐसा कुछ अपना रूम है, यहाँ पे अलमारी है, ये टीवी है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, वैसे हमें देखना भी नहीं है, बाकी एक छोटी सी ये बालकनी है, मतलब लाइक बालकनी तो नहीं, बालकनी में मिरर लगा हुआ है, व्यू सुबह दिखाऊंगा, और यहाँ पे तुम्हें हल्की हल्की तो आवाज आ रही होगी, तो रिवर बह रही है और उसकी आवाज है। और ये वाले जो होटल है ना, मैं ऊपर से आया हूँ, तो मैं मतलब फ्रंट, मतलब ये फ्रंट इधर से है, फ्रंट है ना, मैं बैक साइड से देखा, बैक साइड से देख के मैं है बेकार से है, आगे जाके फिर यहाँ पे रुका, और ये देखो गाड़ी ये खड़ी है अपनी, अभी नीचे जाएंगे तब दिखाऊंगा ना पूरा का पूरा, या सुबह दिखाएंगे, मतलब लाइक ये वैसे वाले स्ट्रक्चर से है बाहर, मतलब लाइक फ्रेम जो है इसका, जैसे ईटे यूं ही लगा के छोड़ दी हूँ, वो वाली जो डिज़ाइन बनता है। और भैया दोनों के कपड़े वपड़े से उतर गए, बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। क्या अच्छा ऐसे नो बेटे, तेरा ये वाला पोस्चर जो है कभी कभी मतलब सही ना आता, ये वाला हाथ या तो सीधा रह जावे या तेरा मुड़ता ना है, एक एक ज्यादा मुड़ जावे है, कौन सा मुड़ रहा है? हाँ अब सही है, सही है, हटिए सामने हट, खली वली हो रहा है। भाई हम ना लड़ रहे भाई किसी से हैं, बाकी भाई बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं रहा हूँ सो ठीक है बाय।